तब तक हम कहां पहुंचे कि हमें दूसरों के किस्से सुनना है ध्यान से दूसरों के किस्से सुनकर जब आप वो बात याद रखेंगे कुछ कहानियों को आप पर असर होगा और रहा है पहले से ही कुछ किताबों में पढ़ा है आपने कुछ आपके स्कूल के दोस्त ने सुनाई थी आपको कुछ एक कजिन है जो यूएस से आया था और एक बात बता के आपको गया आपको पता दोबारा वो आना नहीं है सारे किस्से आपके पसंदीदा किस्से है ना तो दूसरी जो चीज हमको करनी है वो ये है कि हमको ये किस्से जो है याद रखने हैं <skasun> दस किस्से अपनी डायरी में नोट करके रखें यार ये किस्सा बड़ा मज़ेदार तो सुनाने का ये भी किस्सा बड़ा मज़ेदार तो सुनाने का ये भी बड़ा मजेदार तो सुनाने का ये भी बड़ा मजेदार तो सुनाने का जब इन दस किस्सों की लिस्ट आपकी बन गई जो आपको सुनाने हैं जो आपको पसंद आए थे तब इनको सुनाना शुरू करें है ना थोड़ा मुश्किल है पता है मुझे मुझे पता आपको लग रहा हो कि यार ऐसे कैसे अचानक से बोलना शुरू कर दूंगा यार अब मैं तो ज्यादा बात ही नहीं करता हूँ मैं तो बोलता ही नहीं हूँ इतना फिर मैं एकदम से बोलूंगा तो सबको अजीब नहीं लगेगा क्या लगने दो दूसरा फिर आपको लग रहा है कि यार मैं एकदम से किसी और की कहानी सुनाने लग जाऊं तो लोग मुझ पर हंसने लगेंगे तो हंसने दो क्या है ना एफ डी करवानी है आपको इसका नाम है फेलियर है। मेरा ऐसा मानना है जिंदगी में कि आपकी मशहूरियत खुशी तारीफों का एक कोटा होता है और जिल्लत जलालत का एक अलग कोटा होता है अब तक की जैसी जिंदगी रही है आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूं ठीक है उसमें कोई कम जलालत तो रही नहीं है तो बेशर्मी से जितनी ज़्यादा आप अपनी कहानियां सुनाएंगे किससे अपने सुनाएंगे उससे क्या होगा जो भी बेजती होनी है वो सारी ज़िंदगी की अभी हो जाएगी तो इसी बारे में मेरे एक दोस्त हैं हुसैन हाँ बॉलीवुड के बड़े राइटर हैं और मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं छोटे भाई की तरह हैं ना उन्होंने एक बात कही जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ मैं राइटर जानता हूँ जाकिर भाई जिनके पास मुझसे बहुत बेहतर कहानियां हैं वो या तो बोल नहीं रहे हैं हुँ. या वो बता पा नहीं रहे हैं हाँ तो ना बोलने में मुझे लगता है डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप बहुबली की स्क्रिप्ट लेकर भी बैठे हैं ना हाँ तो किसी को बताना तो पड़ेगा कि ये बाहुबली है मेरा बस बेसिक एक रूल ये रहता है राइटर्स के साथ यंग बच्चों के साथ एक्टर्स राइटर्स टैलेंट्स के साथ कि तुम्हें कोई ढूंढ नहीं रहा ये निकाल दो एक जो मिथ है ना कि बम्बई में प्रोड्यूसर टैलेंट ढूंढ रहे हैं वो नहीं ढूंढ रहे सब बिजी है तुम्हें जाके उन्हें बताना है तुम में क्या बात है जो उन्हें चाहिए शॉपिंग की तरह है सर सेम हाँ अडीडा आपको बता था मेरे पास नया जूता आया है बहुत अच्छा है हाँ तो आप बोलते हो अच्छा शायद मुझे इसकी जरूरत थी हाँ सेम चीज है टैलेंट की हाँ। आप बताओ मेरे पास एक नया आइटम है तो प्रोड्यूसर बोलेगा ओहो अच्छा oh, 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 लाओ 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 तो इसका मैंने जो निकाला है वो ये कि जी, कि, जी। कि जब आप कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में जो फर्क है ना मुझे अंडर कॉन्फिडेंट होना और ओवर कॉन्फिडेंस होने में तो मान लीजिए कि आप लॉन्ग जंप करते हैं सर जी है ना आप जो अंडर कॉन्फिडेंसान है आपसे किसी ने पूछा कि आप लॉन्ग जंप करेंगे आप बोलोगे नहीं यार पता नहीं कितना हमने कहा दस मीटर करते हैं ठीक है चलो तो हाँ कर दो दस मीटर तो हम तो साथ ही कर पाए hmm. ठीक है सब ने बोल दिया अरे साहब आप तो साथ ही कर पाए आपने तो दस कहा था ठीक hmm. अब हमें पता तो है कि हम साथ कर सकते हैं Hmm. और हमें हमारी बाउंड्री पता चल गई दूसरा तीन चार महीने हम दस भी कर देंगे घर <laughs> okay, hmm. से कभी निकला ही उसको यही नहीं पता कि वो कर सकता है जो मूवमेंट है अंडर कॉन्फिडेंस में वो जीरो है ओवर कॉन्फिडेंस में लर्निंग है फेलियर है मूवमेंट है स्टोरी है यार करेक्ट तो मैं अपने हीरोन हैव एन अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन मैं कोई भी कहानी कहीं भी कैसे भी लिख लूं जाकिर भाई उसमें ऐसे कैरेक्टर तो लिख ही नहीं सकता जो बोलता नहीं अनलेस उसका ये कैरेक्टर है कि वो बोलता नहीं <laughs> और अगर आप नहीं बोलते हो तो आप हीरो नहीं हो अपनी कहानियों तक में नहीं हो आप करेक्ट अक्सर लोग क्यों नहीं बोलते जाकिर भाई कि बेजती ना हो जाए hmm. अपना वही पॉइंट है हाँ, करवा यार करा बोलो करने वाले लोग जो आपके जैसे लोग जी जी जो भी और भी आपको लगते हैं जी जी वो क्या अलग करते हैं वो क्या क्या चीज है क्या वो जादू जो जो ये किस्से सुनाने वाले लोग जो कहानियों में बांध लेने वाले लोग अलग करते हैं जो महफिलें लूट लेते हैं वो एक बहुत बेसिक बात है बोलने वाले जो है उनको कितना पता है और कितना नहीं पता है दोनों चीज महफिल को पता है हाँ ना बोलने वाले में महफिल अक्सर समझ रही है कि इनको कुछ नहीं पता क्योंकि महफिल के पास आपके दिमाग के अंदर घुसने का वक्त नहीं है बिल्कुल बोलने वाले के साथ क्या होगा एट बेस्ट महफिल को लगेगा इसको इतना ही पता है इसको इतना नहीं पता है हाँ। ना बोलने वाला बैठा होगा तो महफिल समझेगी कि, कि इसको इसके पास बोलने को कुछ नहीं होगा शायद और एक्चुअली वो सच नहीं है ना बोलने वालों के पास बहुत कुछ बोलने बोलने के लिए होता है कहानियां होती हैं बस हिम्मत नहीं होती तो क्या समझे हम कि देखो जिल्लत तो होगी पर जिंदगी में क्या है कि अगर कहीं पहुंचना है तो घर से तो निकलना पड़ता है कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा अगर आपको बेहतर स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा देखिए ऐसा है कि जब बैटिंग करने जाएंगे तभी तो आप आउट होंगे लेकिन सेंचुरी भी तभी बनती है दोस्त जब आप बैटिंग करने उतरेंगे मैदान जो नहीं खेला वो तो ना हारा ना जीता वो तो रह गया ना मैदान के उस तरफ ही तो अगर खेलना है खेल और जीतना है खेल तो मैदान में तो उतरना पड़ेगा उसके लिए बहुत सारी हार और जिल्लत झेलनी पड़ेगी उसके लिए तैयार हो जाना पड़ेगा आपको अभी से इसी वक्त इसी लम्बे से इसका दूसरा तरीका समझने का यह है कि जिल्लतें ऐसे ही कोई कम नहीं है जिंदगी में जो अब तक चल रही थी उन्हीं को पार पाने के लिए आज आप और हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे बेहतर बात करें कैसे बेहतर किससे सुनाएं और मैं समझता हूं ये बात क्योंकि हुआ है मेरे साथ भी वो सब जो आप अभी महसूस कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बोलें जो शख्स जहां मिल जाए उसको सुना दे अपना किस्सा और इसी बात को मेरे एक दोस्त ने हिमांशु वाजपेई बड़े मशहूर दास्तान हैं बहुत नाम है उनका हिंदुस्तान में उन्होंने देखिए कैसे कहा इसको मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के पास कहानियां होती हैं अपनी कहानी वो कोई सुना देता है कोई नहीं सुना पाता कहने को बहुत कुछ था लेकिन हमेशा ये डर था कि यार कहें कैसे या कहेंगे तो सुनेगा कौन और अगर सुनेगा तो क्या फीडबैक देगा जब समझना शुरू किया जब पढ़ना शुरू किया जब कुछ लोग मिले जैसे अंकित हमारे दोनों के दोस्त तो ये समझ में आया कि सुनाते हैं यानी कहते हैं जो कहने को है वो कहते हैं अगर कहेंगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि हाँ सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा हुँ. कहने के बाद पता चलेगा तो फिर मैं अभी भी यही कहता हूं कि अगर आपके पास कहने को कुछ है जो कि सबके पास होता है हुँ. तो आप कह डालिए घबराइए मत डरिए मत और इस बात से भी मत घबराइए कि कोई सुनेगा नहीं या सुनेगा तो नेगेटिव फीडबैक देगा क्योंकि तो जब आप सुनाने लगते हैं तो फिर आप धीरे धीरे सुने जाने लगते हैं अक्सर लोगों को ये लगता है कि जो किस्सा वो होते हैं साहब वो तो बड़े टैलेंटेड होते हैं या पैदाइशी टैलेंटेड होते हैं क्या वैसा कुछ था आपके साथ देखिए मैं ये बात तो मानता हूँ कुछ लोग पैदाइशी टैलेंटेड होते होंगे हाँ। लेकिन मेरे केस में एक यकीन था कि हाँ इस बात का यकीन है कि हम बहुत अच्छा सुना लेंगे इस बात का भी यकीन है कि हम बहुत अच्छा सुनाते हैं इस बात का यकीन कि हमें अच्छा सुनाने के लिए मेहनत करनी है बिल्कुल तो जब शुरू किया था तब बिल्कुल सही बात है कि दब्बू थे डर लगता था यानी हमने आपसे शायद कभी जिक्र किया अभी हो कि जब पहली बार सुना रहे थे तो पैर भी कांप रहे थे ऐसे लिटरली और गला भी सूख रहा था लेकिन उस दिन भी ये यकीन था कि हाँ अगर मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन कहीं ना कहीं पहुँचेंगे तो ये तो एक मुसलस सफ़र है मुझे लगता है कि यही एक बात थी जो मुझे अभी तक हौसला भी देती है अब जब हम ये समझ गए हैं कि बार बार लगातार अपनी कहानी सुनानी है अपने मन का किस्सा कह देना है बेशर्मी से चाहे अगला सुन रहा हो या ना सुन रहा हो ध्यान दे रहा हो या ना दे रहा हो मैं इन सब लोगों की बातचीत आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जो ये कह रहा है क्योंकि सबसे मुश्किल कदम है इस पड़ाव का यही है जो आपको खींच लेगा वापस और इसी को अगर आपने पार कर लिया ना तो आपको हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन कहानी सुनाने वालों में से कोई आपको बनने से रोक नहीं सकता यही है जो आपको खींच लेता है यही है जो आपको रोक रहा है वो अच्छा बात करने वाला यही है जो आपकी वो पीपीटी पास नहीं होने दे रहा यही है वो जो आपके प्रोजेक्ट को रोक दे रहा है यही है जो आपकी दुकान को नहीं चलने दे रहा यही वो पड़ाव है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में वो सब कुछ जो आपकी किस्मत में लिखा था आपके हिस्से में था नहीं मिल रहा था इसी वजह से क्योंकि ये वो पड़ाव है जो आप पार नहीं कर पा रहे तो इसको तो साथ मिलकर पार करना पड़ेगा इसी बारे में मेरे एक दोस्त जो बहुत मशहूर जो है टीचर हैं राइटिंग के कहानियां लिखी कैसे जाती सुनाई कैसे जाती उन्होंने एक बात कही है और वो मुझे बड़ी लगी आज मैंने जो भी किया है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने मेरे से कुछ सवाल पूछे हाँ। मैंने उनके जवाब दिए हाँ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो जवाब से कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है हाँ। ये क्यों हो रहा है हाँ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है मुझे लगता है परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा हिस्सा प्रिपरेशन है अगर आप मेरे से किसी एक मुद्दे पे बात करते हैं जिसपे मैं 10 साल से बात कर रहा हूँ और जिसपे बहुत बार बात कर चुका हूँ जब मैं उसके बारे में बात करूंगा तो आपको महसूस होगा कि इसको आता है लेकिन अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछेंगे इसके बारे में मुझे नहीं पता जैसे आपने परफॉर्मेंस के बारे में पूछ लिया मुझे नहीं पता राइट तो मैं मैं बस इतना मानूंगा कि अगर इफ आई हैव टू परफॉर्म मैंने देखा है मैं अपने लेक्चर्स में कहानियां सुनाता हूँ जोक्स सुनाता हूँ अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स कुछ सुनाता हूँ कभी किसी फिल्म के सीन को ही सुनाता हूं लोगों को वो हमेशा प्रैक्टिस से इंप्रूव हुआ है और और मेरे हिसाब से सबसे श्योर श्योटॉर्ट मेथड तो भाई यही है कि आप आज बार बा... बार लगातार एक ही किस्सा सुनाते रहो सुनाते रहो सुनाते रहो अगर आप बहुत अच्छे भी हो ना आप बेस्ट स्टोरी टेलर हो अपने शहर के तो आप लगे रहोगे तो आप देश के बेस्ट स्टोरी टेलर बनोगे फिर आप दुनिया के बेस्ट स्टोरी टेलर बनोगे और अगर आप बहुत एवरेज हो आपको लगता है बहुत अच्छे स्टोरी टेलर नहीं हो तो भी आप सुनाते रहोगे तो आप आप जहां थे वहां से बहुत ऊपर जाओगे ये तो मतलब दिस इज द ओनली गारंटीड मेथड आई वुड से हाँ तो सारी कहानी है मोहब्बत की दूसरों का किस्सा कैसे सुनाना है अपनी किस्से को कैसे जिल्लत के बावजूद पूरा करना है ये अभी तक हमने सीखा तो यहां पे मेरे ख्याल से कोई और नई चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सबसे मुश्किल लेसन है ये वो लेसन है जो आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर बनने से रोक रहा था अब नहीं रोकेगा करना हमें क्या है बेशर्म हो जाना है क्योंकि इस पड़ाव को पार करने के बाद जो है एक ऐसा खूबसूरत बागीचा है जिसके अंदर ऐसे ऐसे पकवान हैं कि आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि वो आपके हिस्से आएंगे आगे और भी मज़ेदार बातें हैं और भी मज़ेदार लोग हैं और बेहतर टेक्निक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी बात है जिसके कहने के बाद से जिसके करने के बाद से लोग वाकई में मंत्रमुग्ध होकर आपकी बात सुनने लगेंगे